सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोलना चाहूंगा कि मेरा एक नया चैनल है हर्ष शाह नाम से, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, 980 हो चुके हैं मेरे हिसाब से, 1000 भी हो जाएंगे। उसमें शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, छोटी छोटी वीडियोस डालता हूँ, जैसे कि गाड़ी में स्पीकर टेस्ट कर लिया, इसके एग्जॉस्ट में गुलाल डाल दिए, सब मतलब मजे वाले काम होते हैं उसमें। और किसी भी टाइप का डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। एनीवेज, ये सब छोड़ते हैं आज की जो वीडियो की भाई टॉपिक है, अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लग चुके हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पता रहेगा कहाँ से लगवाए हैं मैंने। और दूसरी चीज बोलना चाहूंगा कि प्राइस भी सब कुछ बता दूंगा एंड में, बता दूंगा आपको पता चल जाएगा, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो। एंड गाड़ी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, तो गाइस बिना टाइम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइस, पहले जो गाड़ी के लुक्स हैं कुछ ऐसे हैं। टायर्स भाई आप लोगों ने देखे होंगे हर वीडियो में, तो इधर का टायर भी है भाई ऐसा कुछ है। और ये जो साइज है R14 है बेसिकली। एंड अलॉय व्हील्स तो क्या है भाई, ये सिंपल अपने रिम के साथ है जो जैसा भी सीन है, तो ऐसे कुछ हैं टायर्स। और अब जो होगा फाइनली गाइस, इसमें अलॉय व्हील्स इंस्टॉल होने वाले हैं अपनी गाड़ी में। तो गाइस उसके बाद जो है लुक्स देखेंगे कैसे कुछ लग रहे हैं। एज ऑफ नाउ जो है सिर्फ इसमें व्हील्स हैं। सो गाइस बेसिकली ये वाले टायर्स जो अपनी गाड़ी में लगने वाले, मैं साइज दिखा दूं आपको, ये 205/50 R16 रहने वाला है। यहाँ पे व्हील की बात करें तो जो मेरे को पसंद आए हैं अलॉय व्हील्स वो ये रहने वाले हैं, हाइपर सिल्वर है। और ये जो साइज है बेसिकली ये 17 इंच में है, हम लोग 16 लगवाने वाले हैं। 17 क्यों लगा रहे मोहित भैया? 17 गाड़ी पे लगेगा। सो गाइस बेसिकली ये रहने वाले हैं अपने अलॉय व्हील्स, आपको मैंने वो दिखाए तो 17 में थे, ये 16 इंचेस में थे। एंड दूसरी चीज ये है कि इसमें बीच में अपने जो है स्टालियन के अलॉय व्हील्स लगवाने वाला हूँ बेसिकली मैं। एंड काफी ज्यादा बढ़िया है, नो डाउट व्हाइट टायर्स ये रहने वाले हैं, व्हाइट रहेंगे टायर्स। तो लगने के बाद मैं आपको फुल एंड फाइनल दिखा दूंगा कैसे कुछ लुक्स आ रहे हैं। तो कई लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई अलॉय व्हील्स ही लगवाओ, और अलॉय व्हील्स आज फाइनली हम लोग लगवा रहे हैं। सो गाइस जो अपने अलॉयज हैं वो आने शुरू हो गए, आपको दिख रहा होगा एक येरा और दो ये अलॉय व्हील्स आने शुरू हो गए। तो इन दोनों पे कैप रह रही हो, कैप बाद में लग जाएगी, एक अलॉय व्हील येरा दूसरा येरा। एंड उसके बाद जो टायर्स हैं वो यहाँ पे रखे हैं, तो ये टायर्स बेसिकली मैं लगाऊंगा अभी, ये लग रहे हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी में जो होगा काम होने वाला है। तो ये फाइनली जो है अब अपनी गाड़ी का स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब है जो टायर्स लगाए जाएंगे, तो अलॉय व्हील्स वहाँ पे रख दिए गए हैं। टायर्स लगने के बाद जो काम है मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रहेगा, सारों जो है उन चारों में लगाने का। और अभी लगने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कुछ जो है लगने वाले हैं अपनी जो गाड़ी है। मोस्ट डिमांडेड चीज थी कि अलॉय व्हील्स लगाओ भाई, एंड फाइनली जो है अलॉय व्हील्स लगवा रहा हूँ मैं। तो अंदर के जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो रेड पेंट करूंगा, और ये कलर है मेरे को व्हाइट पे सही लग रहा है कि व्हाइट पे जो है ऐसा ही कलर रहना चाहिए। गाइस नेक्स्ट जो चीज हो रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैलेंसिंग करी जाएगी, और इधर अब एक बार घूमेगा और उसके बाद देखेंगे कितना वजन जो है लगाया जाएगा इसमें। बेसिकली 35 आउट था और अब इसमें 35 ग्राम जो है वजन लगाया जाएगा। और ऐसे यहाँ से गाड़ी उठा दी गई, आपको दिख रहा होगा इतनी इतनी गाड़ी जो है उठ चुकी है, और आगे का भी टायर आपको दिख रहा होगा कि हवा में है। तो अब ये चारों टायर हटाए जाएंगे और इनके जो पीछे के ब्रेक ड्रम्स हैं वो पेंट करे जाएंगे। तो बेसिकली इनको मैं लाल में करवाऊंगा, और लाल में करवाने के बाद देखते हैं गाड़ी के लुक्स जो है कैसे कुछ आने वाले हैं। सो गाइस अपनी गाड़ी की हालत देख सकते हैं कुछ ऐसी है, अभी हवा में उठा रखी है पूरी। तो ये तो लगा ही दिया था भाई, और ये भी लग चुका है। तो धीरे धीरे जो गाड़ी है, मैंने बोला था कि मैं धीरे धीरे काम कराऊंगा, बट ऐसा कराऊंगा कि एक नंबर का अल्टीमेट लगे। पुराने टायर्स जो है गाइस ये रखे, आपको दिख रहे होंगे ये जो है ये रखे हुए पुराने। तो मोरनी से अब नागिन बनने जा रही है वही दिवा टायर। तो गाइस ये जो है आप देख सकते हैं, अब इसमें जो है मैं रेड कलर का पेंट कराऊंगा, और आगे भी सेम ऐसे ही पेंट करा जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि। और बेसिकली कैप पहना दी जाती है ताकि जो डिस्क ब्रेक है अपना उसके अंदर ना जाए कुछ। सो गाइस बोरी जो शॉप थी वहां पे आपको दिख रही होगी बेसिकली। तो यहां से जो मेरे अलॉय व्हील्स आने शुरू हो गए हैं, यहां से आपको दिख रहा होगा,
ये जो अलॉय व्हील्स हैं अपनी गाड़ी के आ चुके हैं, अब इस पे पहले ब्राइट रेड पेंट मारा जाएगा, उसके बाद जो अलॉय व्हील्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन होगी। तो गाइस लेट्स सी गाड़ी के फाइनल लुक्स कैसे लगते हैं अलॉय व्हील्स के बाद। एज ऑफ नाउ अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ लुक्स देखने के लिए, बाकी लगने के बाद पता चलेगा कि गाड़ी जो है सही में मोरनी बनती है नहीं बनती है। तो अब जो है पहले रेड पेंट करा जाएगा, इन पे स्प्रे पेंट जो है वो करा जाएगा, उसके बाद इनकी इंस्टॉलेशन होने वाली है। दो तो आ चुके हैं यहाँ पे, दो पेयर तो यहाँ पे थे ही, जैसे कि आपको पता होगा दो पेयर और जो है अब आ चुके हैं। तो ब्रांड न्यू एकदम टायर्स हैं, कुछ सेकंड हैंड वगैरह जैसे काम नहीं हुआ है गाइस, यहाँ पे नए के नए एकदम लग रहे हैं। और ये भी जो है वाइट एज ऑफ नाउ सूख रहा है, वाइट एक बार ड्राई हो जाए और उसके बाद जो है रेड करा जाएगा। तो देखते हैं उसके बाद गाड़ी के लुक्स कैसे आ रहे हैं। और हर्ष लॉक जो है रिमूव कर दिया, रीजन उसके पीछे ये कि मैं अब थोड़ा स्टाइलिश में जो है लिखवाने वाला हूँ, डिज़ाइन थोड़ा बदलूंगा, बिकॉज वो मेरे को अजीब सा लग रहा था, मेरी बलिनों जैसा मे भी हो सकता है, तो ऐसे कुछ है गाइस। तो गाइस अब रेड की कोटिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे पहला अलॉय व्हील है जो लगने वाला है, दिख रहा होगा आपको बेसिकली। तो एंड गाइस वाइट तो ऑब्वियसली है ही, आपको दिख रहे होंगे ये वाइट है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में लिखिए बताइए कैसे लग रहे हैं जो आपको अलॉय व्हील्स हैं, चारों पांचों लग जाते हैं गाड़ी जब उतर जाती है, उसके बाद मेन अभी पता चलेगा। तो गाइस यहाँ से अब आपको लुक्स दिख रहे होंगे गाड़ी के जो है कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। तो पहले स्पॉइलर तो मैंने लगवा लिया था, बोल रहे थे कि अलॉय व्हील्स भी लगवा लो, अलॉय व्हील्स भी फाइनली लग चुके हैं। तो मैं अब साइड की तरफ लेके चलता हूँ आपको, तो अब आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि डिजाइन कितना ज्यादा है जो अमेजिंग लग रहा है। एंड अंदर का जो रेड पेंट है वो भी काफी ज्यादा खिल के आ रहा है गाइस, आई मस्ट से। तो एक बार जैक से उतर जाती है उसके बाद फाइनल लुक्स तो आएंगे, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा भैया को, ये अलॉय व्हील्स काफी बढ़िया है। एंड अभी इस तरफ के दो लग चुके हैं गाइस, और इस तरफ के भी लग जाएंगे, देन गाड़ी के जो अपने फाइनल लुक्स हैं आने वाले हैं एकदम। तो एक बार फाइनल लुक्स आ जाते हैं उसके बाद भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ मेरी गाड़ी के अलॉय व्हील्स। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, फ्रंट के लुक चेंज है वो अलग से एक वीडियो आएगी। एनीवेज गाइस यहाँ से अब हम लोग बात करें अलॉय व्हील्स की, तो आप अलॉय व्हील्स देख सकते हैं कि ऐसे कुछ हैं अलॉय व्हील्स। और गाइस मैंने अभी साफ करी थी गाड़ी, अभी की अभी वापस गंदी हो गई है। तो गाइस ऐसे कुछ हैं अपने अलॉय व्हील्स, अब मैं पास में लेके चलता हूँ आपको। तो स्टैलियन कंपनी के हैं बेसिकली, और अंदर का जो है मैंने ड्रम रेड पेंट कराया था। कंफोजर के टायर हैं, इसकी मैं आपको बिल्ड बताऊँ, सब कुछ बताऊँ, तो 205/50R16 हैं गाइस, एंड इनफ एंड काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टायर्स हैं। उसके बाद गाइस अब मैं पीछे की तरफ लेके चलूँ, पीछे की प्रोफाइल आपको दिखाऊँ, तो ऐसे कुछ हैं जो अपने टायर्स हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अंदर का जो है रेड पेंट कराया, बिकॉज रेड ही सूट करता है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रेड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है नो डाउट। आप मुझे लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा, एंड इतने दिनों बाद ये फाइनली मौका आया है जब मैं अलॉय व्हील्स लेके आया हूँ अपनी गाड़ी में। गाइस इससे मैं बताऊँ मेनली क्या होता है कि भाई जो गाड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही है, पीछे से आपको दिख रहा होगा, तो गाड़ी में और लेके जाऊँ पीछे तो आपको दिख गया होगा यहाँ से गाड़ी जो है कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, मतलब पीछे से इतनी ज़्यादा एकदम हैवी बिल्ड हो चुकी है। और जो स्पॉइलर है किसी किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, कई लोग मतलब नेगेटिव फीडबैक भी आया, पॉजिटिव भी आया, बट वो अपनी अपनी पसंद होती है भाई। इसमें क्या पता कोई चीज़ आपको पसंद हो, क्या है मुझे ना पसंद हो। अलॉय व्हील्स में भी सेम ऐसा ही, आप लोगों को कुछ अलॉय व्हील्स पसंद आएंगे, कुछ को नहीं आएंगे, बट वो सब जस्टिफाइड है बिकॉज अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। यहाँ पे गाइस इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, उसके बाद में आप बाद में बताऊंगा क्यों, क्योंकि जब तीन चार लोग इसमें बैठ जाते हैं तो ये नीचे टायर्स टच होने शुरू हो गए, यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, उसका आज मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, तो वो बता दूंगा आपको क्या कुछ होने वाला है गाड़ी में। तो गाइस ओवरऑल जो है अपने अलॉय व्हील्स के लुक ऐसे हैं कुछ, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ज़्यादा सिनेमेटिक शॉट्स हैं
सब पे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ले चलूं। यहाँ से आपको जो टायर है उसकी पूरी मोटाई दिख रही होगी कि कितने मोटे हैं बेसिकली ये जो टायर्स हैं। पास से लेके जाऊं तो आपको अंदाजा लग जाएगा काफी चौड़े जो हैं टायर्स इसमें हैं और फ्रंट प्रोफाइल जो है गाड़ी की कुछ ऐसी लगती है गाइस। तो आप मुझे लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी और अलॉय व्हील्स के बाद जो गाड़ी के लुक्स हैं अनडाउटेडली एनहेंस हो चुके हैं एंड काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा अपनी गाड़ी के जो है अलॉय व्हील्स कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं यहाँ पे आपको एकदम मस्त दिख रहे होंगे। और मतलब गाड़ी जो अब हेड टर्नर हो चुकी है, हेड टर्नर इसलिए बोल रहा हूँ कि निकलती है तो लोग ऐसे देखते हैं ना भाई एक शू तो गाइस ऐसे देखते हैं और हवा बहुत ज्यादा है इस वजह से बाल उठ रहे हैं। एनीवेज गाइस कितने कुछ के पड़े तो मैं बोलता हूँ 35 के आसपास ये मेरे को पड़े हैं। तो भाई बताओ मुझे कि 35 में वर्थ रही या नहीं रही डील और डिजाइन कैसा लग रहा है गाइस। एंड होते हुए बोलूंगा भाई अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, सबको मे भी पसंद आए, सबको मे भी पसंद ना आए, किसी को कुछ चीज पसंद आती है। तो मेरे को जो है हाइपर सिल्वर अलॉयज बहुत ज्यादा पसंद आए। एनीवेज भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है बढ़िया होंगे। नहीं उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। बाय बाय और धन्यवाद।